सभी बॉयज को बता दीजिए, लोगों को अनाउंस करें, कर्फ्यू लग गया शायद, सब अपने घरों में जाएं, जो घूमता नजर आएगा सबको अरेस्टिंग हो जाएगी, बता दीजिए। डायल 100 से घुमा दीजिए, डायल 100 से घुमा दीजिए, डायल 100 को बता दीजिए, डायल 100 को बता दीजिए। घटना प्रकाश में आई थी कि विवादित वीडियो वायरल किया गया था, जिसके तहत पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते उनको कल ही गिरफ्तार करके आज उनको जेल भेज दिया है। परंतु उस घटना को लेकर के दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगले आदेश तक हम लोग कर्फ्यू इम्पोज करेंगे। ऐसा कोई उसकी समय सीमा कल सब स्कूल और सब बंद हो, वो हम कल सवेरे एसेस करेंगे, अगर ऐसा कुछ ऐसा होता है उसमें ढील देने लायक कोई किसी प्रकाश माती हम जरूर देंगे। बाकी कल तो स्कूल बंद रहेंगे। ऐसी किसी घटना की हालांकि अभी तक सूचना नहीं मिली है, किसी जानमाल की क्षति भी नहीं हुई है, एहतियातन हम लोगों ने ये लगाने का फैसला किया। ठीक है, बात है उसको एक दिन आगे शिफ्ट किया जाता है, उसको कैसे समस्या कानून व्यवस्था सर्वोपरि स्थिति जिले की क्या है? और देखिए स्थिति अभी थोड़ा तनाव है पर स्थिति नियंत्रण में है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्थिति कल तक हम लोग सामान्य कर लें। कल सर स्कूलों के ऊपर जो स्कूल कल खुलेंगे केवल कल के लिए स्कूल बंद है। नाम याद नहीं हमको है, भैया कीप साइलेंट, स्टेटमेंट तो लेने दो। ये कहाँ पे हुआ? भाई कहा गया हमको इतना नाम नहीं, मैं दर्द हो रहा, मेरा सर दर्द हो रहा है। चलिए आप लोग चलिए, आप आइए भाई, सब आवाज आई थी शांत जिले में एक छोटी सी घटना वीडियो वायरल करने की घटना ने आग लगा दी है। एक छोटी सी घटना को लेकर जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और रासुका लगाने की भी बात की, वहीं आज शाम को आ रही एक भीड़ पर गोली लगने से दो लोगों के घायल होने से मजबूरन प्रशासन को यहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। जिलाधिकारी महोदय ने अभी बतलाया कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, इसलिए कोई भी ऐसी कोई घटना ना करे, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि शहर की जिले की शांति भंग हो। लगभग 10:30 बजा हुआ है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, आवाज़ है तो चौतरफा हुटर की, पुलिस की और प्रशासन की गाड़ियों की, जो कि लगातार क्षेत्र में चेकिंग कर रहे हैं और जो है लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें। आज गोली में लगने से जो दो लोग घायल हुए हैं उनमें एक सचिन गुप्ता निवासी ईदगाह और दूसरा अंकित है। सचिन को गंभीर हालत होने के कारण लखनऊ उपचार के लिए भेजा गया है।
गोली के लिए जिसके ऊपर जिस एक रेडीमेड व्यवसायी के ऊपर आरोप लग रहा है उनका कहना है कि उनके घर पर जब तोड़फोड़ पथराव की कार्रवाई की जा रही थी तभी उन्हीं लोगों से द्वारा फायरिंग भी की जा रही थी, ये उसी का परिणाम होगा। हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। mylakhimpurkhiri.com के लिए संजीव पावा, सहयोगी राजेश शर्मा के साथ।